हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास है। तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्केन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कैसे किया जाता है अल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हाउ टू प्रिपेयर अल्केन बाय कार्बोजैलिक एसिड। इसका भी तीन मेथड है, पहला है डी कार्बोजलाइजेशन, सेकेंड है कॉलबेज प्रोसेस और थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बोजैलिक एसिड। तो सबसे पहले डी कार्बोजाइलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। डी कार्बोजाइलेशन मीन्स क्या हुआ, डी मीन्स होता है हटाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, हटा देना, ठीक है, डिस्प्लेस कर देना। एंड कार्बोजाइलेशन मतलब क्या हुआ, CO2 गैस को हटाना, यानी कार्बोजैलिक एसिड में से CO2 गैस को हटाएंगे तो वो प्रोसेस से क्या फॉर्म होगा, क्या ऑब्टेन होगा, एल्केन। हम लोग क्योंकि पढ़ क्या रहे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो इसमें क्या लेंगे, इसमें कार्बोजैलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे। क्या लेंगे, कार्बोजैलिक एसिड का सॉल्ट। उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कार्बोजैलिक एसिड को हम यहाँ R4 मान लिए, अल्केन चेन हो गया, ठीक, और कार्बन का चेन, और ये कार्बोजैलिक एसिड का है ना। अब जब कार्बोजैलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। यहां से लिया H और यहां से क्या आ गया, OH, यहां रिमूव क्या हो गया, वाटर माइनस H2O, किसका फॉर्मेशन हुआ, RCOO यहां माइनस और Na पे प्लस, ये है सॉल्ट ऑफ कार्बोजैलिक एसिड, क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोजैलिक एसिड। आगे बात समझ में, डी कार्बोजैलेशन जो करेंगे तो इसमें सॉल्ट ऑफ कार्बोजैलिक एसिड चाहिए। अब क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए हम लोगों ने क्या लिया, सॉल्ट ऑफ कार्बोजैलिक एसिड RCOO Na, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस यहां रख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये दोनों कंबाइंड होके हो जाता है, क्या कहलाता है, सोडा लाइम, क्या कहलाता है बच्चों, सोडा लाइम, ठीक। तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ बनना किसका है, किसके लिए प्रिपरेशन हो रहा है, यहाँ बनना है अल्केन। तो सबसे पहले अल्केन होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये R यहाँ H, तो क्या फॉर्मेशन होगा, R ये H, अल्केन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ का H आ गया, यहाँ का R, अब बचा यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2CO3, क्या हो गया, प्लस Na2CO3 हो गया, Na2CO3, ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन H के रूप में तो गैस के रूप में होता नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये भी 2 यूनिट लेंगे, ये भी 2 यूनिट लेंगे, तो H2 गैस के रूप में निकलेगा, गैस के रूप में H2 निकलेगा यहाँ पे। यहाँ पे जितना यूनिट हम एसिड का ले रहे हैं, कार्बोजैलिक एसिड के सॉल्ट में जितना यूनिट कार्बन का, उससे हमेशा 1 यूनिट कम कार्बन बना, कितना बनेगा, 1 यूनिट कम कार्बन बनेगा। अब यहाँ पे R की जगह पर मान लीजिए हम CH3 ले लेते हैं, 2 यूनिट CH3COO माइनस यहाँ Na प्लस 2 NaOH यहाँ CaO सोडा ला, तो क्या बनेगा, 2 यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH3 में ये H जुड़ गया, तो 2CH4 यानी मीथेन प्लस 2 Na2CO3 प्लस H2 गैस। आगे बात समझ बच्चों, कोई दिक्कत है, आई होप नहीं दिक्कत है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब भी बनेगा क्या यहाँ पे अल्केन, तो उसका उसमें कार्बन का यूनिट ऑलवेज कार्बोजैलिक एसिड के सॉल्ट में प्रेजेंट कार्बन के यूनिट से कम होगा, 1 कम होगा। आगे बात समझ में, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, डी कार्बोजाइलेशन, हो गई बात समझ में।
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोल्बे प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है? कोल्बे प्रोसेस। तो चलिए सेकेंड प्रोसेस है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इसका क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो क्या करें, उसमें भी लेंगे क्या हम सॉल्ट ही लेंगे, कार्बोजेनिक एसिड का सॉल्ट लेंगे। ठीक है, उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाना है और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, तो क्या बनेगा यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, साथ में CO2 गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, NaOH बनेगा। मान लीजिए यहाँ R की जगह पर मान लेते हैं C3H6 या CH3 ही ले लेते हैं, मान लीजिए 2CH3 COO यहाँ माइनस Na पर सोडियम पे प्लस सॉल्ट है, प्लस यहाँ वाटर को हम तोड़ के लिखते हैं 2H+OH माइनस वाटर है ना, H2O होता है ना। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसका ये दो यूनिट अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये बैलेंस हो गया। अब CO2 गैस तो कितना है, 2 यूनिट है, तो यहाँ पे क्या होगा +2 CO2 निकल गया। अब बचा 2 यूनिट Na और यहाँ OH 2 यूनिट है, तो +2 NaOH और प्लस बच क्या गया यहाँ पे H2 गैस, आगे बात समझ में। इसका मैकेनिज्म भी है, सबका मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी नहीं है लेकिन किसी किसी का जरूरी होता है। इसमें मान लीजिए एक बीकर लिए, दो लगा दिए, तो ये हो गया कैथोड। ठीक है, ये मान लीजिए एनोड है, ये हो गया कैथोड, एनायन एनोड पे और कैथोड पे, दूसरा यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, एक्वा सॉल्यूशन किसका लिए, इसका ले लिए कार्बोजेनिक एसिड के सॉल्ट का, ये एक्वा सॉल्यूशन ले लिए CH3COO-Na+, क्या है ये एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया, तो क्या होगा एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे आपको मिल जाएगा क्या, इथेन, क्या मिलेगा इथेन, एनोड पे इथेन, कैथोड पे एनोड पे, एनोड पे इथेन। यहां पे मैकेनिज्म में क्या होगा, मान लिए क्या ले लिया हम, यहाँ पे ले लिए सॉल्ट, लिए सॉल्ट लिए तो क्या यहाँ फिर क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल का, ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, ये रेडिकल है और ये भी रेडिकल है, चूंकि यहाँ पे एंट्रोपी सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए क्या बन रहा है, CO2 गैस के रूप में निकल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ बन गया ट्रू रेडिकल, बन गया किसका, ये CH3 का 2 रेडिकल, ये दोनों क्या किया आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके ये क्या किया बना लिया क्या, इथेन बना लिया, क्या बना लिया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में एनोड पे क्या मिलेगा हमें, इथेन प्लस CO2 गैस, कैथोड पे H2 गैस एंड सॉल्यूशन क्या मिला हमको, NaOH। आगे बात समझ में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये प्रोसेस है कोल्बे प्रोसेस। कोल्बे प्रोसेस में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और एंट्रोपी सपोर्ट करता है, इस कारण CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो आगे बात समझ में, कोल्बे प्रोसेस। अब बचा तीसरा कौन सा, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोजेनिक एसिड। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है वो, HI। तो चले स्टार्ट करते, चलिए लास्ट प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ कार्बोजेनिक एसिड। ठीक है, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करना ही उसका रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ, ये ऑक्सीजन हो गया, हम क्या लिए यहाँ पे कार्बोजेनिक एसिड का एसिड लिए, उसका रिडक्शन किसके साथ करवाए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिए यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड।
ये रिडक्शन जब होता है तो इसके साथ जो रिडक्शन होता है तब जितने यूनिट का ये कार्बोजेलिक एसिड होता है उसमें जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन वाला इथेन बनता है। यहाँ पे देख लीजिए कार्बोजेलिक एसिड में कितने कार्बन है, एक और दो, यहाँ पे बना कितना, दो यूनिट वाला, क्या हो गया यहाँ पे CH3 एंड CH3। इसके बाद बैलेंस सारा हो गया, 6HI है तो 2H2 और +3I2 बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम कुछ ले सकते, CH3 की जगह पे आप कुछ भी लो, जितना यूनिट लोगे उतना ही यूनिट का, जितना यूनिट का एक कार्बोजेलिक एसिड होगा उतना ही यूनिट का क्या बनेगा, सेम यूनिट का इथेन का फॉर्मेशन होगा, इथेन यानी अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन बाय कार्बोजेलिक एसिड पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास छोटा छोटा हो रहा है, प्रिपरेशन मेथड आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग के समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।